यहाँ पर दोस्तों फायरबोल्ट ने एक रेट्रो क्लासिक लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच में मॉडर्न स्मार्ट फीचर्स डाल दिए हैं। तो आइए चेक करते हैं कि ये फ्यूजन कितना बढ़िया लगता है टेस्टिंग के साथ। और सारी टेस्टिंग देखने के बाद आप दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये फ्यूजन कैसा लगा ब्रांड की तरफ से। और इस वीडियो पे 2000 लाइक्स का टारगेट सबसे पहले पूरा कर दीजिए। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के, यहाँ पर आप लोगों ने अपने फादर को या ग्रैंडफादर को ऐसी स्मार्ट वॉच पहने हुए कभी ना कभी देखा होगा। तो 90s के लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच में फायरबोल्ट ने यहाँ पे स्मार्ट फीचर्स डाल के लॉन्च कर दिए फायरबोल्ट रेट्रो स्मार्ट वॉच, जिसका लॉन्च प्राइस है 2500 रुपीज के आसपास। और जो लुक एंड फील दिया गया है बिल्कुल आपको विंटेज क्लासिक लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच मिलने वाली है। और जो एक स्मार्ट वॉच में स्मार्ट फीचर्स रहते हैं इसमें आपको भर भर के दिए गए हैं ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर के साथ। सारी आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज हैवी टेस्टिंग के साथ, ताकि अगर आप खुद के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए, अपने फादर को, ग्रैंडफादर को या किसी को भी गिफ्ट करने के लिए एक रेट्रो स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हैं स्मार्ट फीचर्स के साथ, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर लेंगे कि ये कितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बल्कि से बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको फायरबोल्ट रेट्रो स्मार्ट वॉच का ऐसे बिल्कुल आपको बल्कि सा बॉक्स मिलने वाला है ब्रांड की तरफ से, और इसको आप इस तरीके से अनबॉक्स कर सकते हैं। और पैकेजिंग आप देख सकते हैं एक एक चीज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पैक की गई है बॉक्स के अंदर ही। हमेशा की तरह यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड मिलने वाली है, भर भर के पेपर वर्क मिल जाएगा, कुछ यहाँ पे आपको कूपन कोड्स मिलने वाले हैं, गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं, यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इनको अपने हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं। एक एडिकेट लेंथ की चार्जिंग केबल मिलेगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच, और साथ में एक टूल किट मिल जाएगा, जो मेटालिक स्ट्रैप्स दिए गए हैं उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं टूल को यूज करके। और दोस्तों मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। यहाँ पर आपको साफ साफ जो विंटेज लुक एंड फील रहता है स्मार्ट वॉच में ऐसा आपको मिल जाएगा। और इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 20mm के मेटालिक स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, काफी क्वालिटी सही मेंटेन की स्ट्रैप्स की। यहाँ पे आपको ऐसे लुक एंड फील के स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, अगर आप चाहे तो इनको डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर हिंजेस मिलने वाले हैं। और पूरी यहाँ पे आपको टफ आप बोल सकते हैं जिंक अलॉय की मेटालिक आपको बॉडी मिल जाएगी, बिल्ड मिल जाएगी स्मार्ट वॉच की। लुक एंड फील काफी आपको यहाँ पे इंप्रेसिव मिलने वाला है, अगर आपको यहाँ पे रेट्रो लुक एंड फील चाहिए उस पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं। साइड में आपको 4 बटन मिल जाएंगे, और फ्रंट में आपको 1.54 इंच का इसमें आपको TFT डिस्प्ले दिया गया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ, जिसके इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। व्यूइंग एंगल्स भी काफी आपको बढ़िया मिलने वाले, उनको लेकर दिक्कत नहीं लगी। और यहाँ पर UI की स्मूथनेस की बात करेंगे, UI भी काफी आपको स्मूथ मिलने वाला है, इसको यूज करने में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, स्मूथ तरीके से UI को आप यूज कर पाएंगे। और यहाँ पर जो 4 बटन भी दिए गए, यहाँ पे आपको नाम भी दिया हुआ है एक्जैक्टली क्या फंक्शन है इनका, मेन्यू, पावर, स्पोर्ट और रिटर्न का ऑप्शन। जो ये वाला बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे जितनी भी एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की आप एक्सेस कर पाएंगे। ये वाला पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसको आप यहाँ पे सिंगल प्रेस करके स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो ये वाला बटन है ये रिटर्न का बटन है, यहाँ से आप बैक में आ सकते हैं मेन्यू को लेके। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स, इसमें आपको बहुत सारे बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे। और साथ में आप एप्लीकेशन यूज करके जो बिल्ट इन GPS दिया गया है फोन का, वहां से आप प्रॉपर ट्रैकिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो काफी आपको क्लोज रीडिंग मिलने वाली है। मैंने इसको पर्सनली यूज किया हुआ है, हाथों में आप टाइटली स्मार्ट वॉच को पहनेंगे, अगर आप एक्टिविटीज भी करते हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू GPS ऑन करके फोन का यहाँ से आप एक्यूरेसी ले पाएंगे, सारे आपको डिटेलिंग मिल जाएगी यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट में ही। उससे आप चेकआउट कर सकते हैं आपने कितनी एक्टिविटीज की हुई है, कितनी स्टेप काउंटिंग की हुई है, क्या आपने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, एक एक आपको डिटेलिंग मिल जाएगी यहाँ पर। और इसके ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो बिल्ट इन कुछ यहाँ पे आपको वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, जो यहाँ पे आपको वॉच फेस पसंद आ रहा है, रेट्रो लुक एंड फील दिया गया है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है नोटिफिकेशन पार्ट को लेके, ऐसा आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, स्क्रॉल करके आप फुल मैसेज रीड कर पाएंगे, ये एक प्लस पॉइंट है, बस ये इमोजीज देखने की करता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको मल्टीपल शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको शॉर्टकट दिया गया है स्क्रीन ऑन टाइम का 5 मिनट्स का, अगर आपको 5 मिनट तक लगातार स्क्रीन ऑन रखनी है तो यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर आपको और भी मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिनिमम 3 सेकंड्स दिया गया है, मैक्सिमम 20 सेकंड्स दिया गया है, अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं स्क्रीन टाइम। रेस टू वेक फीचर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और इसका जो रेस टू वेक फीचर है काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है स्मार्ट वॉच। जब भी आप ऊपर करेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी पर्टिकुलरली। यहाँ पर आप स्टार्ट और एंड टाइम सेट कर सकते हैं रेस टू वेक फीचर का, डो नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, फाइंड माई फोन को ऑप्शन मिल जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं आप पे जो फोन का स्पीकर है उसको यूज करना है, जो स्मार्ट वॉच के बिल्ट इन स्पीकर है उसके थ्रू आपको म्यूजिक प्ले करना है। हम आगे साउंड टेस्ट भी करेंगे इसका आउटपुट कैसा है इसके थ्रू। साथ में कैलकुलेटर को शॉर्टकट दिया गया है, ये भी एक प्लस पॉइंट, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं यहाँ से आप। यहाँ पे आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है वो भी आप कर सकते हैं। ब्राइटनेस के लेवल्स को यहाँ पे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और आउटर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, आउटर कंडीशन में ब्राइटनेस आपको डिसेंट मिलने वाली है, TFT डिस्प्ले के हिसाब से आप सनलाइट में मैनेजेबल तरीके से आउटर कंडीशन में यूज कर पाएंगे स्मार्ट वॉच को। और यहाँ पर सेटिंग्स में आपको और भी सेटिंग्स मिलने वाली है वॉच फेसेस को लेकर। जनरल में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेस टू वेक फीचर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, डो नॉट डिस्टर्ब मोड, पासवर्ड प्रोटेक्शन, स्क्रीन सेवर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का
ऑप्शन दिया गया है। दो आपको ऑप्शन मिलने वाला है, डिजिटल डायल और पॉइंटर डायल। ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा डिजिटल डायल का, यहाँ पर आपको ऐसा लुक एंड फील मिलने वाला है पॉइंटर डायल का, जो आपको प्रेफरेबल अप्लाई कर सकते हैं। और जो रेस टू वेक फीचर यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में वर्क नहीं करता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलने वाली, यहाँ पे आपको हिंदी भाषा का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको हिंदी भाषा में यूटिलाइज करनी है स्मार्ट वॉच को तो। और थीम्स में आप जाएंगे तो मल्टीपल आपको थीम्स मिलने वाली है। यहाँ पर जो ऊपर वाला बटन है, मेन्यू वाला बटन, इसको अगर आप डबल प्रेस करेंगे तो मल्टीपल थीम्स यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटी की आपको थीम्स मिल जाएंगी, मेन्यू भी डिजाइन मिल जाएंगी, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से आप। पावर ऑफ, रिबूट, फैक्ट्री रीसेट और यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये सब आपको चीजें मिल जाएंगी इसकी सेटिंग्स पार्ट में। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, कितने आप स्टेप्स चले, कितनी कैलोरीज बर्न की, यहाँ से आप ट्रैक आउट कर सकते हैं एक्टिविटी पार्ट्स को लेके, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट। यहाँ पे आप मल्टीपल शॉर्टकट्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं, कौन कौन से आपको शॉर्टकट्स चाहिए यहाँ से अपने हिसाब से आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं। और स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलने वाला है, जो आपने रिसेंट एक्टिविटीज की हुई यहाँ से आपको शॉर्टकट मिलने वाला है। सही लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया यहाँ पर भी। और मेन्यू वाले बटन को क्लिक करेंगे तो मल्टीपल जितनी भी एप्लीकेशन है स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे, स्पोर्ट्स का ऑप्शन, रिकॉर्ड्स, प्रॉपर आपको डायल पैड मिलने वाला है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, डायल पैड मिल जाएगा, कॉलिंग कर सकते हैं, किसी का कॉल आएगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को। अब आप देखिए हमारा DRS दीक्षा रिव्यू सेशन स्मार्ट वॉच का। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, अभी ब्रेकफास्ट हुआ है, लंच की तैयारी करूंगी अभी। लंच की तैयारी करेंगे, ओके। अरे अभी मेरे पास यहाँ पर ना फायरबॉल ब्रांड की तरफ से रेट्रो स्मार्ट वॉच इन्होंने एक लॉन्च की है। हाँ। तो फिलहाल मैं ऐसे ही थोड़ा ऑफिस के बाहर हूँ, ऐसे ही थोड़ा पार्क के साइड में खड़ा हूँ, स्मार्ट वॉच के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, उसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है। तो मेरी आवाज आपको कैसी आ रही है? आवाज तो अच्छे से आ रही है। हाँ हाँ। हल्की सी वेट नॉइज आ रही है, लेकिन तुम्हारी आवाज भी अच्छे समझ में आ रही है। ऐसे मतलब बातचीत में हमारी आपकी कोई दिक्कत लग रही है आपको स्मार्ट वॉच के थ्रू? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं लग रही, अच्छे से बातचीत चल रही है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू, ओके, बाय। कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं आपको स्मार्टफोन से बात करनी है कि स्मार्टफोन से बात करनी है, और कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। और जो माइक्रोफोन दिया गया है काफी सही तरीके से वर्क करता है, स्पीकर की लाउडनेस ज्यादा बोल सकता है, आपको एडिकेट मिलने वाली है। मेनली आप इंडोर कंडीशन में घर के अंदर है, नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में आराम से ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर एक्सेस कर पाएंगे। साथ में एक्टिविटी रिकॉर्ड्स का ऑप्शन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन, और यहाँ पर अगर हम सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप काफी क्लोज रीडिंग बोल सकते हैं। स्मार्ट वॉच में इंस्ट्रूमेंट किट में दिखा रहा है हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेकर, सेम यहाँ पे आपको क्लोज रीडिंग मिल जाएगी इसके ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेकर, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की आपको कितनी रीडिंग्स आई हुई, यहाँ पे आप कैजुअल पर्पस के लिए चेकआउट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे स्ट्रेस का लेवल कितना हो रहा है उसको भी आप ट्रैकआउट कर सकते हैं। सेंसर यहाँ पे आप कैजुअल पर्पस के लिए इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। डिसन यहाँ पे आपको सेंसर में एक्यूरेसी मिलने वाली है। साथ में स्टॉप वॉच, नोटिफिकेशन, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, वेदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है। यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स मिलने वाली है, वेदर फोरकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज का, अलार्म सेट कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप प्ले पॉज कर सकते हैं स्मार्टफोन से थ्रू, डायरेक्टली ट्रैक्स को ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं स्मार्टफोन से थ्रू ही। और यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे आपको फोन के थ्रू म्यूजिक सुनना है कि स्मार्टफोन के बिल्ट इन स्पीकर के थ्रू म्यूजिक सुनना है, यहाँ से आप स्विच भी कर सकते हैं, और जो बिल्ट इन स्पीकर है उसका आउटपुट कैसा है आप खुद ही सुन लीजिए साउंड टेस्ट के थ्रू। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइमर, फाइंड माय फोन का ऑप्शन बिल्ट इन, यहाँ पे आपको एक गेम दिया गया है टाइम पास के लिए, इसको भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे अपने हिसाब से। कैलेंडर का ऑप्शन, वॉइस सेशन का फीचर दिया गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा कंट्रोल, SOS कॉल का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं SOS कॉल को। यहाँ पर इमरजेंसी में यहाँ पे आप नंबर सेव कर सकते हैं किसको आपको कॉल करना है इमरजेंसी में। फिर यहाँ पे जो मेन्यू वाला बटन है इसको आप 5 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस नंबर पर डायल हो जाएगा, तो ये भी एक फीचर मुझे अच्छा लगा काफी। यहाँ पर वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स का, यहाँ पे एक्टिविटीज चेकआउट करनी है एप्लीकेशन आप ऐड करके यहाँ से आप कर सकते हैं। साथ में QR कोड दिया गया एप्लीकेशन का, हम आगे डिस्कस करेंगे। सेटिंग्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो ये सब आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। सारे के सारे जो आपको यहाँ पे स्मार्ट वॉच फीचर्स मिलते हैं इसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। बाकी इसमें आपको IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर दिया गया है, अगर पानी के स्ट्रेसेस लगते हैं, आप थोड़ा बहुत वर्कआउट्स करते हैं, थोड़ा बहुत डस्ट लगता है, ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को। और एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कोफिट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद फ्रंट में आप जितनी भी एक्टिविटीज की हुई स्टेप काउंटिंग को लेकर, सेंसर्स पार्ट को लेकर, यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रैकिंग दिख जाएगी, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। और स्पोर्ट्स में आप जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बिल्ट इन GPS दिया गया है उसको आप एक्टिवेट करके प्रॉपर एक्टिविटीज चेकआउट कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू और एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। डिवाइस में आपको और भी सेटिंग्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिलने वाले हैं, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस जो आपको यहाँ पे पसंद आ रहा है, मल्टीपल आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के वॉच फेस मिल जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। कस्टम फेस पे
जाएंगे जहाँ पे आपको और भी कस्टमाइजेशन मिलने वाली है वॉच फेस को लेके। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, डायल आपको कैसा चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको कस्टम बैकग्राउंड में जाकर आपको यहाँ पे कैमरा से पिक्चर लेनी है, आप खुद की पिक्चर स्टोर आपके स्मार्टफोन में, तो वहाँ से अप्लाई करके आप वॉच फेस में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको कौन कौन से एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन चाहिए यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू। इनकमिंग कॉल्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंटी लॉस रिमाइंडर, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अलार्म क्लॉक, सेंट्री रिमाइंडर, मेजरमेंट यूनिट, डेट फॉर्मेट, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आपको कैसी चाहिए, बैकलाइट का ऑप्शन, रेस यूविक फीचर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर्स, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन दिया गया, इसको भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ट्रैकआउट कर सकते हैं। कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है जो कि इस एप्लीकेशन के साथ वर्क करता है। जो स्मार्टवॉच में शटर है अगर आप टैप करेंगे यहाँ पे तो एप्लीकेशन पार्ट के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं। फोन बुक में आपको मल्टीपल कॉन्टेक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको कौन से स्टॉक्स की एक्टिविटीज चेकआउट करनी है, यहाँ से आप लॉग इन करके उनको ऐड कर सकते हैं स्मार्ट वॉच में। वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन, अनपेयर कर सकते हैं डिवाइस को। मी में आप जाएंगे तो और भी मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाएंगी, थीम्स को लेकर, आपके पर्सनल डेटा को लेकर, यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं उनकी भी। तो एप्लीकेशन काफी यूजफुल है, आपको एक एक कस्टमाइजेशन करनी है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करके स्मार्ट वॉच के एप्लीकेशन के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। और बैटरी लाइफ की बात करेंगे, यहाँ पर आपको 390 mAh की बैटरी दी गई है स्मार्ट वॉच में। और यहाँ पर अगर आप इसका हैवी यूसेज करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखेंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करेंगे, तो अप्रॉक्सिमेटली आप बोल सकते हैं मैक्सिमम 1.5 से 2 दिन के आसपास आपको मैक्सिमम बैटरी लाइफ मिलने वाली हैवी यूसेज पे। एडिकेट तरीके से यूज करेंगे नॉर्मल तरीके से तो 5 to 6 days के आसपास बोल सकते हैं नॉर्मल यूसेज, एवरेज यूसेज पे आपको स्मार्ट वॉच में बैटरी लाइफ मिल जाएगी, डिसेंट आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है। फिर देखा जाए अगर आपको यहाँ पे रेट्रो लुकिंग मिल की स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें आपको सारे के सारे स्मार्ट फीचर्स चाहिए, आपको खुद के लिए परचेज करनी है, आपको फादर को गिफ्ट करनी है, आपको ग्रैंड फादर को गिफ्ट करनी है, जो बिल्कुल स्मार्ट वॉच के सारे फीचर एक्सेस कर पाए उनको बिल्कुल यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना है स्मार्ट वॉच को यूज करके, उस पर्पज के लिए मुझे काफी अच्छा पैकेज लगा और प्राइस पॉइंट भी इसका काफी यहाँ पे सही रखा गया है। मैंने आपको सारी की सारी टेस्टिंग दिखा दी, प्रोज एंड कॉन्स का आप पे डिसीजन मैटर करता है। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो चेकआउट कर ग्रैब कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द रिसेंटली लॉन्च्ड फायरबोल्ट रेट्रो स्मार्ट वॉच। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।